नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः आए हैं आपके लिए। और हमने सोचा कुछ कई दिनों से क्लासेस और इस तरह के व्यस्तता होने के कारण मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तो हमने कहा आज आपके सामने मुलाकात भी कर लेते हैं, कुछ विषय वस्तुओं पर लेकर हम लोग चर्चा भी कर लेते हैं और बहुत संक्षिप्त समय लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे विस्तार में चीजों को डिटेल में देने की आदत है नहीं, अपनी बात चंद शब्दों में ही खत्म करने की आदत है। तो उसी कड़ी में एक जो सबसे अहम क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन मुख्यतः ये उठ रहा है कि टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम कब होंगे। तो पहले इसी मुद्दे को ले ले लेते हैं। तो देखिए, ये तो अक्टूबर तो गया, अब चूंकि इसमें त्योहार भी है और इसमें जो हमारी दीपावली है तो इसमें लगभग 30 तारीख तक तो छुट्टियां हैं। नवंबर में एग्जाम होने के चांस मिनिमम है, मतलब मिनिमम मतलब बहुत कम। उसका रीजन क्या है, नवंबर में नगर पंचायत आदि के जो चुनाव हैं वो लगे हुए हैं। तो जो चुनाव लगे हुए हैं, नगर पंचायत है या नगर पालिकाएं हैं, उनके चुनाव वगैरह लगे हुए हैं, तो नवंबर में भी होने की संभावना नथिंग है। बचा दिसंबर और जनवरी, तो चूंकि चुनाव जब होंगे तो उसके बाद अधिकारियों का, कर्मचारियों का, जो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी जो भी है वो लगभग व्यस्तता रहती है, तो दिसंबर में भी संभावनाएं हो सकती हैं कि दिसंबर में हो। और वरना जो अंदर से खबर, क्या जो ग्रुप मेंबर्स हैं, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के कई लोग जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनमें से जो एक लोगों ने ये बताया कि हमारी जो आयोग में कोई उनके रिलेटिव है तो वहां से एक सूचना निकली कि जनवरी में होने के प्रबल चांस है, कि दिसंबर के बाद जनवरी में एग्जाम होने के प्रबल चांस है। उसके अलावा जो टीजीटी पीजीटी का मोर्चा है, संघर्ष मोर्चा है, उसने अपनी बात आयोग के जो माननीय सदस्य, माननीय जो अध्यक्ष हैं, और उनके सामने अपनी बात रखी थी कि कम से कम 60 दिन पहले सूचना दी जाए कि एग्जाम कब है, उन्होंने ये कहा था। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे। तो उस हिसाब से भी अभी 1-2 माह एग्जाम होने के चांस नहीं है, 2 माह, और अगर वो उनकी बात मानी गई है। और दूसरी चीज, जो परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से भी मेरा मानना है कि दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी में होने के चांस है। फिर भी ये कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, मुझे लाव लपेट करना या केवल व्यू बढ़ाना या अपने यूट्यूब चैनल में ऐसी हेडलाइन देखना, घोषित हो गई डेट, अब पता लगा अब गए। हमने भी कभी कभी, हम भी यूट्यूब, ऐसा नहीं, हम भी बहुत सारे लोगों का यूट्यूब देखते हैं, तो पता लगा कि जो थंबनेल है जो ऊपर लिखा है उस पर देख के जाओ, और अंदर पता लगा कि आप पढ़ा पढ़ा के वीडियो देख रहे हैं, काम की बातें नहीं है। तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, हमारी अपनी संभावना है कि जनवरी या लास्ट दिसंबर तक एग्जाम की प्रबल संभावना है। तो जो हमारे मित्र हैं वो बिल्कुल बेफिक्र रहे, बस आप काम क्या करना है, नोट्स, चूंकि हम इससे पहले आपसे बता ही चुके थे कि नोट्स बनाना है, नोट्स को बार बार रिवाइज करें। हफ्ते भर में जैसे आप पढ़ेंगे तो हफ्ते भर बाद दिमाग से रिमूव हो जाता है, तो नोट्स को लेना है, नोट्स को बार बार चैप्टर वाइज रिवाइज करना है, और उनसे जो भी क्वेश्चन अब तक किसी भी स्टेट का हो, कोई भी एग्जाम हो, और बायोलॉजी का क्वेश्चन बना हो, कहीं भी किसी का भी बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है उसको बस सॉल्व करिए। नीट ध्यान रखिएगा, नीट मेडिकल के जो क्वेश्चन आए हैं उन पे मत फोकस करिएगा, अगर आप वहां फोकस करेंगे तो सब लेथन कर डालेंगे, कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा, क्योंकि हर एग्जाम का अपना लेवल है। टीजीटी पीजीटी का अलग लेवल है, नीट के एग्जाम का अलग लेवल है, तो सबका लेवल अलग अलग है। इस तरह तैयारी करिए, आपके पास प्रॉपर समय है और मुझे लगता है आप इतने में सिलेक्शन, आज से अगर आप तैयारी करना शुरू करेंगे तो मैं मानता हूं कि अगर 2 माह मन से आप पढ़ लीजिए, क्योंकि बायोलॉजी तो आपको आती है, बायोलॉजी तो आपने हाई स्कूल से लेके एमएससी तक बायोलॉजी ही बायोलॉजी पढ़ी है, मतलब बायोलॉजी को ही अध्ययन किया है, तो बायोलॉजी आपको आती है, बस सही मार्गदर्शन, सटीक मैटर की आवश्यकता है। दूसरा, ईएलटी का सुन रहे थे कि मैं जैसे कि सूचना पेपर में आई थी कि अक्टूबर में ईएलटी का फॉर्म आएगा, तो अभी तो अक्टूबर में आया नहीं है, तो मेरा मानना है कि नवंबर, अगर नवंबर में नहीं आती है तो दिसंबर में 100% ईएलटी के फॉर्म आने चाहिए, बड़ी वैकेंसी एलटी की आपको देखने को मिलेगी, एलटी और जीआईसी की। तो हमने
नया बैच जीआईसी प्री और एलटी प्री, चूंकि इस बार बोला गया एलटी का प्री होगा, तो जीआईसी प्री और एलटी का बैच अभी बिल्कुल रिसेंट में ओपन किया है, जिसकी जो मेंबरशिप है ओनली 1099, 1099। अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लीजिए, स्वागत है। आपको पूरी क्लासेस नोट्स बनाकर पढ़ाई जाती हैं, आपको बीए बीएससी एमएससी की तरह नहीं पढ़ाया जाता है कि आपको पता लगा। हाँ, एक आपको बता दें, कोई कोचिंग संस्थान है तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के कई सारे मित्र अभी जुड़े हमसे, पहले जुड़े थे तो पता लगा, उन्होंने कहा सर फंगस की 34 क्लास हो गई है। तो हमने, मैं भी बड़ा अचरज में हो गया कि 34 क्लासों में आखिर क्या पढ़ाया गया होगा, तो पता लगा पूरी बीएससी पढ़ा दी है। ऐसा नहीं, हमारी फंगस की 4 5 6 क्लासेस से ज्यादा नहीं होती है, केवल गागर में सागर भरते हैं, वही पॉइंट्स यहाँ डिस्कस होते हैं जो एग्जाम में आएंगे। पहले भी कहते हैं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, बिल्कुल भी आपको बायोलॉजी सिखाने नहीं बैठा, बस ये आपको टारगेट देता है कि हाँ नौकरी दिलवानी हमारी जिम्मेदारी है, वही चीजें हम बताएंगे जो नौकरी आपको दिलवा दें, बकाया उल फजूल का यहाँ ना हमारे पास टाइम है ना आपके पास। और इसके अलावा टीजीटी पीजीटी एलटी का बैच पहले से चल रहा है, और जो भी क्लासेस हैं सब क्रम से लगे, कुछ भी वहां छूटेगा नहीं। अगर आप वो बैच लेते हैं तो 1199 का, जिसमें आपको टीजीटी की तैयारी हो जाएगी उसी में पीजीटी की हो जाएगी, क्योंकि हम टीजीटी पीजीटी दोनों का सिलेबस वहां खत्म किया है और एलटी का, तीनों का मिला के सिलेबस वहां खत्म किया है। तो आप वहां जुड़ जाइए, सारी क्लासेस मिलेंगी, नोट्स प्रैक्टिस से डिस्कशन सब अवेलेबल होता है, रात में डिस्कशन भी करते हैं, नोट्स की पूरी लाइब्रेरी भी है, संडे को डेली प्रैक्टिस सेट भी देते हैं, सब कुछ। और टीजीटी पीजीटी की अगर लेना है तो केवल 999। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के आप मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे साथ छोड़ सकते हैं। तो आप इस तरह अपनी तैयारी कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी है तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से कॉल कर सकते हैं। नमस्कार।